प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 6 के विषय में बताऊंगी। लेकिन पाठ 6 बच्चों मैंने क्रम संख्या 5 डाली है, क्योंकि मैंने एक चैप्टर पीछे काट दिया था। एक जो आपका कोर्स में आएगा उसमें कुछ कोर्स कम किया गया है, उसकी वजह से मैंने पीछे के चैप्टर जो काटे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग लेके चल रही हूँ। आज आपको पढ़ाएंगे रहीम के विषय में बताती हूँ। देखिए, अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। इनके पिता का नाम बैरम खान था। क्या था? बैरम खान। तथा माता का नाम सुल्ताना। इनकी दो माता थी, एक सुल्ताना बेगम और एक सजदा खान। तो क्या है, सुल्ताना बेगम था उस समय बैरम खान। जब रहीम का जन्म हुआ था तब बैरम खान की आयु 60 वर्ष थी जब इनका जन्म हुआ था। अब बैरम खान की दूसरी बीवी कौन थी? वो बाबर की जो बेटी थी गुलरुख, उसकी बेटी जो थी वो रहीम की दूसरी माता थी। वो बड़ी भक्तिभाव वाली महिला थी। उन्हीं के संस्कारों से और इनके पिता के संस्कारों से रहीम में भक्ति जाग गई। इन्होंने इनके अंदर बचपन से ही बुद्धिमान और प्रेमी जैसे गुण थे। और दूसरे इनकी माता जो थी सईदा बेगम, वो एक कवित्री थी। उनका और इनके पिता का इनके ऊपर बड़ा असर पड़ा। यानी वो चीज़ इन्हें विरासत में, विरासत क्या होती है, जो बच्चों हम अपने पूर्वजों से लेते चले आ रहे हैं वो विरासत कहलाती है। अब रहीम ग्रंथों में दोहावली, सतसई बैरवे और नायिका भेद श्रृंगार सोटा दोहा, ये इनकी रचनाएं थी। इनकी भाषा कहती थी, इनकी भाषा तुर्की भाषा। बाबर की आत्मकथा तुझ के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया, ये इन्होंने इनकी भाषा थी। भाषा इनकी क्या थी? हिंदी भाषा भी थी, संस्कृत भाषा भी थी, तुर्की फारसी आदि ये इनकी भाषाएं थी। रहीम जी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। ये मुसलमान होकर भी, लोग कहते हैं कि मुसलमान लोग हिंदू धर्म से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन नहीं, ये मुसलमान होकर के इनके अंदर कृष्ण के प्रति बड़ी भक्ति भाव रहते थे। ये भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे। रहीम जी ने अपने अनुभवों को अति सरल एवं सहजता के जिस शैली में अभिव्यक्त किया है वह वास्तव में अद्भुत है। अद्भुत माने आश्चर्यचकित है। इन्होंने अपनी कविताओं में, दोहों में, छंदों में पूर्वी अवधि ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी भाषा क्या थी? अवधि भी थी, ब्रजभाषा भी थी और खड़ी बोली का भी इन्होंने अपने जो इन्होंने रचनाएं लिखी हैं उनमें प्रयोग किया है। भाषा इनकी सरल, सरस और मधुर बनाने के लिए इन्होंने तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। हाँ बच्चों, अब आपको रहीमदास जी के दोहे बताऊंगी, उसको ध्यानपूर्वक सुनना। एकै सादे सब सदे, सब सादे सब जाएं, रहीमन मोलई सींचिवो फूलई फलई अघाई। रहीमदास जी क्या कहते हैं? यहाँ रहीमदास जी ने, हमारे हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता होते हैं, कोई किसी देवता को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो रहीमदास जी क्या कहते हैं, इन सब को छोड़ करके एक को मानना चाहिए। रहीमदास जी क्या कहते हैं? एक ही साधे सब सदे। यानी रहीमदास जी कहते हैं कि एक साधना ही पर्याप्त है, एक साधना ही काफी है। सब साधे सद जाएं, उस साधना के माध्यम से ही सब सद जाते हैं। रहीमन फूलई सींचिवो, रहीमन मूलई सींचिवो फूलई फलई अघाय। रहीमदास जी कहते हैं कि एक वृक्ष, पेड़ को आपने देखा होगा, ना तो पेड़ की पंखुड़ियों को पानी दिया जाता है, ना फूलों को, ना उनकी पत्तियों को। रहीमदास जी कहते हैं एक वृक्ष की जड़ में ही पानी लगाने से वह वृक्ष जो है फूलता फलता और छाया देता है। तो कहते हैं कि ईश्वर की, एक ही ईश्वर की साधना से
सब सब सज जाते हैं उसी ईश्वर की, उसी को हमें उसी ईश्वर को मानना चाहिए, उस ईश्वर की साधना ही एक हमारे लिए पर्याप्त है। रहिमन अतिन कीजिए गाहि रही निज कान, सहजन अति फूले तव डार पात की हान। रहीमदास जी कहते हैं, आपने सुना होगा अति, अति क्या होता है, ये अति बहुत खराब चीज होती है। अति तो अच्छी भी होती है और अति बुरी भी होती है, अति अच्छे में भी आती है अति बुरे में भी। जैसे आपने देखा है कि कभी धूप इतनी तेज होती है कि उस धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और कभी इतनी बारिश हो जाती है कि ठंड लगने लगती है। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं यहाँ, रहीमन अतन कीजिए, रहीमदास जी कहते हैं अति बहुत खराब चीज है, अति नहीं करनी चाहिए, ये इसे छोड़ देना चाहिए, अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। सहजन अति फूले तौदार की पात, जिस प्रकार से आपने देखा होगा सहजन एक पेड़ होता है, उस पेड़ में बहुत अधिक मात्रा में फूल आते हैं, और जब फूल अधिक आते हैं तो उसकी डाल और पात सब टूट जाती हैं, डाल और पत्ते सब टूट जाते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं अति नहीं करनी चाहिए, अति को छोड़ देना चाहिए, यानी अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए, अपनी ताकत का प्रयोग अधिक नहीं करना चाहिए। जलई मिलाई रहीम ज्यों कियो आप सग छीर, अगवई आपुई आप त्यों सकल आंच की भीर। रहीमदास जी कहते हैं कि दूध जल को मिला लेता है, दूध अपने में जल को मिला लेता है और वो सामान्यता से रहता है, उसका साथ देता रहता है, यानी दूध जो है जब दूध में पानी मिलाया जाता है तो वो पानी सामान्यता से साथ रहता है। अगवई आपुई आप त्यों सकल आंच की भीर, और जब उस दूध को आग पर चढ़ाते हैं यानी गर्म कर देते हैं तो पानी क्या होता है, पानी जो बच्चों है वो भाप बनकर उड़ जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है। तो यही हमारे सच्चे दोस्त की पहचान होती है, यानी दोस्त वही, यहाँ पर इसके लिए यही दोस्ती के संबंध में बताया कि दोस्त वही अच्छा होता है जो तुम्हारा अच्छे में भी साथ दे बुरे में। इसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं जलई मिलाई रहीम ज्यों कियो आप सचित, यानी जो कभी कहता है कि जो दूध है उसमें पानी मिला दिया जाए और वो उसे मिला समानता बनाए रखता है उसकी, लेकिन जब उसको आंच पर यानी आग पर चढ़ा देते हैं तो वो भाप बनकर उड़ जाता है, यही सच्चे दोस्त की पहचान होती है। संतत संपत्ति जान कई सबको सब कुछ दे, कभी क्या कहता है कि संतत माने संपूर्ण रूप से संपत्ति, आपने देखा होगा कि संसार में जो धनी व्यक्ति होते हैं, धनवान व्यक्ति होते हैं, संपत्ति माने जिनके पास संपत्ति ज्यादा होती है, धनवान होते हैं, उनको जान करके रहीमदास जी कहते हैं संतत संपत्ति जान के सबको सब कुछ दे, यानी संसार में जो धनी व्यक्ति होते हैं उनको उनको धनी जान करके तो लोग सब कुछ देने लगते हैं, सबको देने लगते हैं। दीन बंधु बिन दीन की कौ रहीम सुदिलेत, रहीमदास जी कहते हैं जो जो गरीब लोग होते हैं, दीन यहां पर गरीब के लिए, दीन बंधु किसके लिए आया है बच्चों, ईश्वर के लिए आया है। तो रहीमदास जी कहते हैं दीन उस गरीब की ईश्वर के अलावा कोई सुधि नहीं लेता है, यानी संतत संपत्ति जान के सब सबको सब कुछ देत, दीन बंधु बिन दीन की कौ रहीम सुधि लेत। रहीमदास जी कहते हैं इस संसार में जो धनी लोग होते हैं, धनवान व्यक्ति होते हैं, उनको लोग देने के लिए सब कुछ तैयार हो जाते हैं, सब कुछ देने दे देते हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको ईश्वर के अलावा कोई नहीं पूछता है। रहीमन ऋषि को छाड़ के एक कौ गरीबी भेस, मीठो बोलो नै चलो सवे तुम्हारे देश। रहीमदास जी कहते हैं कि ऋषि माने क्रोध, छाड़ माने छोड़ करके, रहीमदास जी कहते हैं क्रोध को छोड़ करके गरीबी को सहन कर लेना चाहिए, गरीबी भेष भेष माने बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, सहन कर लेनी चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं क्रोध को छोड़ करके गरीबी को सहन कर लेना चाहिए, मीठे बोलो
न चलो, यानी उनसे मीठा बोलो, अच्छा बोलो, मीठे का मतलब अच्छा बोलो, न नम्रता से बोलो, सवे तुम्हारे देश। यानी जब तुम इस प्रकार से करोगे, मीठे बोलोगे, अच्छा बोलोगे, तो ये संपूर्ण संसार यानी संपूर्ण देश आपके आपका ही हो जाएगा, तुम्हारा ही है। अगला दोहा है बच्चों, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जब बात बिगड़ जाती है, जब बात बिगड़ जाती है अर्थात बात खराब हो जाती है, लाख करो किन कोई, किन माने कोई माने उपाय, लाख कोशिश कर लो, उपाय कर लो, लेकिन वह बात नहीं बनती है। कैसे नहीं बनती है? इस प्रकार से रहीमन फाटे दूध को, आपने देखा होगा कि जब दूध फट जाता है, दूध फट जाता है और उसे मथनी, उसमें दूध में मथनी डालते हैं, उसे चलाते रहते हैं, लेकिन उस दूध में मक्खन नहीं निकलता है, या फटे दूध में निकलता है, नहीं निकलता है बच्चों ना। तो उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं जब बात बिगड़ जाती है तो लाख प्रयास कोशिश करने पर वह बात नहीं बनती है। आगे का दोहा है, रहीमन आलस भजन में विशेष सुख ही लपटाई, घास चरे पशु स्वाद ते गुरु गुली लाए खाई। रहीमदास जी कहते हैं कि आपने देखा होगा कि जो लोग ईश्वर का घर, भाई सभी के घर पर पूजा तो सभी के यहां होती होगी, तो आपने देखा होगा जो रहीमदास जी कहते हैं कि आलस भजन में, ईश्वर के भजन में तो आलस कर जाते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि ईश्वर के भजन में आलस कर जाते हैं, विषय सुख ही लगता है, और जो हमारे विषय संबंधी सुख होते हैं, घर गृहस्थी के सुख होते हैं, उनको हम लपेटे रहते हैं। क्या सुख आपके पीछे लिपटता है? नहीं, आप ही उनको लिपटाए रहते हैं। ईश्वर भजन में तो नाम नहीं लेते हैं, और जो विषय संबंधी सुख है उनको अपने पीछे पीछे लिपटाए रहते हैं। घास चरे पशु स्वादते, आपने देखा होगा जो पशु हैं वो हरी हरी घास को बड़े स्वाद से खाते हैं बच्चों, बड़े स्वाद से चरते हैं अर्थात खाते हैं। गुरु गुलाई खाएं, गुरु माने गुड़, और जो गुड़ जो होती है उनके लिए उत्तम होती है। गुड़ हमारे भोजन को पचाने में सहायक होती है, लेकिन पशु को अगर वो गुड़ दे दी जाए तो वो गुड़ नहीं खाते हैं, गुड़ को उन्हें गुलिलाए माने जबरदस्ती, गुड़ को उनके मुख में जबरदस्ती ठूसना पड़ता है। अगला दोहा है, जो बड़न को लघु कहे नहीं रहीम घट जाहि, गिरधर मुरली धर कहीं कछु दुख मानत नाई। बच्चों रहीम जी कहते हैं कि जो बड़न को लघु कहे, अरे अरे बड़े व्यक्ति को कोई अगर छोटा कह देता है तो वे घटता नहीं, घटना मतलब कम नहीं हो जाते हैं, उनका कहने का आशय यह है कि उनका जो बड़प्पन है वो कम नहीं होता है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग बड़े व्यक्तियों को छोटा कह देते हैं तो उनके बड़प्पन में कमी नहीं आती है। जैसे गिरधर, गिरधर किसे कहा गया है? श्री कृष्ण भगवान को, क्योंकि उन्होंने गिरधर पर्वत को उठाया था इसलिए उनका नाम गिरधर पड़ा। गिरधर मुरलीधर कहें, गिरधर को, गिर को धारण करने वाले को अगर मुरलीधर, मुरलीधर कह दें, कछु दुख मानत, वे कुछ भी दुख नहीं मानते हैं, क्योंकि गिरधर को मुरली धारण करने वाले कह दें तो वो कोई दुख हम नहीं मानते हैं। जय रहीम मन आपनो कीनो चार चकोर, निसिबा सर लाग्यो रहे कृष्ण चंद की ओर। रहीमदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को, रहीमदास जी कहते हैं जही, जही माने जिस, आपनो यानी अपने मन को, रहीमदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को तीनों चार चकोर, चारों ओर से चकोर पक्षी, रहीमदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन मन को चारों ओर चकोर पक्षी की तरह निसिवासर, निसि माने प्रतिदिन,
बासर माने दिन। रहीमदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को चारों ओर से चकोर पक्षी की तरह कृष्ण भगवान और चंद्र की ओर एकाग्र कर लिया, अर्थात उनकी सेवा में लगा दिया है। रहीमदास जी कहते हैं बच्चों आगे दोहे में, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालित माल, हरिन बनाए सुरसरी की जो इंद भाल। रहीमदास जी कहते हैं कि अच्युत यहां भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा या विष्णु के लिए? रहीमदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण नदी जो है तरंगनी माने नदी, नदी भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के चरण को धोती है। शिव सिर मालित माल और शिव के सिर में माला की तरह शोभायमान है। जिस प्रकार से हम गले में माला पहनते हैं उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं वह शिव के, नदी जो है शिव के सिर में माला के रूप में शोभायमान है। हरिन बनाया, उसे हरि ने नहीं बनाया, उस गंगा नदी को, सुरसरी माने गंगा नदी, उस गंगा नदी को हरि ने, ईश्वर ने नहीं बनाया है कि जो इंद बाल बह तो देवताओं के मस्तक में ही शोभायमान या शोभा देती है। अधम वचन काको फल्यो बैठ ताड़ की छा, रहमन कामन आए है ये नीरस जगमा। रहीमदास जी क्या कहते हैं, अधम, अधम माने जो नीच वचन होते हैं, यानी जो हम नीच वचन बोलते हैं, शब्द बोलते हैं काको फल्यो। रहीमदास जी कहते हैं जो नीच वचन होते हैं वो किसी को फल नहीं देते हैं। अधम वचन काको फल्यो बैठ ताड़ की चाह, आपने देखा होगा ताड़ बहुत बड़ा वृक्ष होता है और उस वृक्ष के नीचे अगर हम बैठ जाएं तो वह हमको छाया नहीं देता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से ताड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर छाया नहीं मिलती है, उसी प्रकार से अधम नीच वचन बोलने से फल नहीं मिलता है। रहीमन कामन आए है ये नीरस जगमा, ये संसार जो नीरस है इसमें रस नहीं है, ये किसी के काम नहीं आ सकता है। अंतर दाव लगी रहे धुआन प्रगटे सोए, कह जिए जाने आपनो जासिर बीती हो। रहीमदास जी कहते हैं कि अंतर माने अंदर, दाव, दाव माने आग। रहीमदास जी कहते हैं जो प्रेम रूपी आग है, जो प्रेम रूपी आग है वो हमारे अंदर लगी हुई है। धुआं न प्रगटे, ये इसका धुआं भी दिखाई नहीं, प्रगटे माने दिखाई, इस आग का जो प्रेम रूपी अग्नि है इसका धुआं भी नहीं दिखाई देता है। कह जी जाने आपनो, ये तो वही जी, यही ये तो वही जान सकता है। जासिर बीती, ये जिसके अंदर लगी हुई है ये वही जान सकता है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो अंदर प्रेम रूपी अग्नि लगी हुई है इसका धुआं भी नहीं दिखाई देता है। कह जिए जाने आपनो, ये तो उसका वही, इसका हृदय वही जानता है जिसके अंदर ये लगी हुई है। उचित अनुचित उचित रहीम लघु, करहीं बढ़न के जोर, जो शशि के संयोग ते पचवत आग चकोर। रहीमदास जी कहते हैं कि कभी कभी, रहीमदास जी कहते हैं कि कभी कभी बड़ों की सहायता से अनुचित उचित रहीम लघु, करहीं बढ़न के जोर। रहीमदास जी कहते हैं कभी कभी उचित और अनुचित ये बड़ों की सहायता से कभी छोटे भी अच्छे काम कर जाते हैं। जो शशि के संयोग से, शशि माने चंद्रमा, जो माने जैसे, जैसे चंद्रमा के संयोग से पचवत आग चकोर, चकोर जो पक्षी है आग को पचा लेता है, उसी प्रकार से ये जो हैं अच्छे बड़े की सहायता से छोटे लोग भी अच्छे काम कर लेते हैं, उनका साथ पाकर मतलब सुधर जाते हैं। अनुचित वचन न मानिए जदपि गुराए सुगाढ़ी, है रहीम रघुनाथ ते सुजस भरत को बाढ़ी। रहीमदास जी कहते हैं कि अनुचित चाहे बड़े कितनी भी आज्ञा दें, गुराए से माने बड़ों की आज्ञा मानना। रहीमदास जी कहते हैं अनुचित माने
जो उचित वचन ना हो उन वचनों को मानना नहीं चाहे। रहीमदास जी कहते हैं कि जो बड़े चाहे कितने भी आज्ञा दें, लेकिन उनकी जो अनुचित बात है उसको नहीं मानना चाहिए। हरि रहीम रघुनाथ थे। रहीमदास जी कहते हैं कि रघु श्री रामचंद्र जी ने इतना काम किया और काम करने के बाद यश जो प्रशंसा जो किसे मिली, भरत को मिली। जो भी काम किया लेकिन प्रशंसा भरत को मिली, ना कि श्री रामचंद्र जी को। अब रहीम चुप कर रहो समुझ दिनन का फेर, जब दिन नीके आई हैं बनत न लागई देर। रहीमदास जी कहते हैं जब बुरे दिन आते हैं, दिनन समुझ दिनन का फेर, दिन माने जब बुरे दिन आते हैं, जब गलत दिन आते हैं, तो रहीमदास जी कहते हैं जब भाई ये संसार दुख और सुख का साथी है, संसार दुख और सुख का साथी है, लेकिन इसमें अच्छे भी दिन आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं जब बुरे दिन आए तो चुप रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? चुप शांत। जब दिन नीके हैं, जब अच्छे दिन आएंगे, बनत न लागे देर, तब बात बनते देर नहीं लगती है। अब रहीम मुश्किल पड़ी गाढ़े दो काम, साचे से तो न जग नहीं झूठे मिले न राम। अब रहीम मुश्किल पड़ी, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है, गाढ़े दो काम, ये दो काम आ पड़े हैं, बड़ा कठिन है। राम रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ा कठिन है, दो काम बड़े कठिन से आ गए हैं, मुश्किल है, दो ये दोनों काम बड़े कठिन आ गए हैं। साचे, अगर हम सच बोलते हैं, अगर हम संसार में सच बोलते हैं तो ये संसार जो है मेरा साथ नहीं देता है, मेरा साथ नहीं देता है। झूठे मिले न राम, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहां पर इस दोहे में रहीमदास जी ने क्या कहा है, अब रहीम मुश्किल पड़ी, यानी अब बड़ा मुश्किल है, गाढ़े दो काम, ये गाढ़े माने ये दो काम बड़े कठिन हैं, साचे से तो जग नहीं, यानी हम अगर सच बोलते हैं तो मेरा ये संसार साथ नहीं देता है, और जब मैं झूठ बोलता हूं तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं, यानी ईश्वर मुझे नहीं मिल पाता है। अमर वेल बिन मोल की प्रतिपालत है ताही, रहीमन ये से प्रभु इत जी खोजत फिरे काही। रहीमदास जी कहते हैं कि अमर वेल बिन मोल की, यानी बिना जड़ की प्रतिपालित पाल पोस करके बड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा कि गांव में किसी वृक्ष के ऊपर अमर बेल जो होती है वो बिना सहारे यानी पेड़ के सहारा लेके बढ़ जाती है, ना कि उसे मूल जड़ की, उसमें जड़ नहीं होती है, लेकिन वो पेड़ का सहारा लेके पाल पोस बड़ी हो जाती है। ऐसे प्रभु इता जी, ऐसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, ऐसे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जिन्हें तज माने त्याग कर खोजे तो फिर काही, फिर उन्हें ढूंढते क्यों फिर रहे हो, उन्हें ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को क्यों ढूंढ रहे हो, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की गांस, जैसे मिश्रियों में मिश्री मिली नीरस बांस की फांस। रहीमदास जी कहते हैं कि अमृत रूपी जो वचन है उनमें क्रोध भी आ जाए, रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जो अमृत रूपी जो मीठे वचन होते हैं उनमें रहीमन रिस की गांठ, अगर क्रोध भी आ जाता है तब भी उनमें मिठास रहती है, तब भी उनमें मधुरता रहती है। ऐसे मिश्रियों में मिश्री, जैसे कि मिश्री में मिली नीरस, जैसे मिश्री में एक सूखे बांस की, सूखा बांस होता है नीरस, नीरस का मतलब बिना रस के, तो उसमें फांसे हो जाती हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं जैसे मिश्री में मिली मिश्री घुल जाती है और उसमें उस नीरस सूखे बांस की फांस घुल जाती है, वो भी कैसी हो जाती है, मीठी, यानी
उसमें भी लचीलापन आ जाता है। अरज गरज माने नहीं रहमन ये जन चार, रनिया राजा मांगता काम आतुरी नार। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि अरज गरज यानी ये चार लोग जो हैं, ये माने एक, जन माने लोग, चार माने चार, ये जो चार लोग हैं ये गरजते भी हैं और प्रार्थना भी करते हैं, यानी विनती भी करते हैं और तेज भी बोलते हैं। कौन कौन होते हैं चार लोग? रानी, राजा और एक भिखारी, मांगने वाला जो मांगता है भिखारी, और काम वासना के प्रति आतुर नारी। इनके अंदर ये मान मर्यादा की भावना नहीं होती है ये, या अपनी आवश्यकता के अनुसार मान सम्मान नहीं समझते हैं। धन्यवाद बच्चों, आगे का कार्य हम आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज देंगे। जैसा मैंने पढ़ाया है, अगर आप इन दोहों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और इनका अर्थ भी मैंने पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजा है, उसे ध्यान करके पढ़ना, ये सभी दोहे आपको याद हो जाएंगे। धन्यवाद।